आपके बारे में बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर जोनी हुड्डा है, बाय एजुकेशन मैंने पीएचडी किया हुआ है और बाय प्रोफेशन से आईबी यूनिवर्सिटी, सुना होगा नाम आप लोगों ने, वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ करती थी सर। 15 से 16 महीने पहले सर ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई, जैसे आप में से बहुत सारे नए लोग आज पहली बार इसको सुनना चाह रहे हैं। सर ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई, मैंने इसको ग्रैब किया और आप देख रहे हो 2,500 लोगों को आज एड्रेस कर पा रहे सर। ये सर 15-16 महीने पहले सिस्टम में आई और अपनी जॉब के साथ साथ काम करना स्टार्ट किया सर। 1,25,00,000 रुपए यहाँ से अर्न कर रही हूँ मैं सर। इससे बढ़िया क्या कोई मौका कहीं और से मिल सकता है? बहुत बढ़िया सर। सर लाइफ में मौके बहुत आते हैं, लेकिन जब पहली बार आप अपना टाइम निकाल के यहाँ पर बैठ ही गए हो तो सर ओपन माइंड होके कुछ सुन लेना चाहिए या नहीं? सर 1 घंटा एक लाइट चलेगी, आप देख रहे हैं पीछे इंस्ट्रक्शंस। सर 1 घंटा लगेगा सर, जब टाइम निकाल ही लिया है या तो वेस्ट कर लिया इन्वेस्ट, तो क्या करने में फायदा रहेगा? इन्वेस्ट ना सर। तो ओपन माइंड होके सर 1 घंटा इस अपॉर्चुनिटी को सुनते हैं। सर इंस्ट्रक्शन दी हुई सबसे पहले क्या सर, आप सभी के पास एक मोबाइल फोन होगा सर, प्लीज उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। हाँ जी, क्योंकि बहुत बड़ा आपकी लाइफ में आ रहा है सर चेंज करने के लिए। लाइफ बहुत बड़े लेवल पे चेंज हो सकती है, जो अब तक ना सोचा हो चलो सर वो हो सकता है। तो प्लीज फोन को साइलेंट कर दे, स्विच ऑफ कर दे सर। दूसरी चीज यहाँ पर लिखी हुई है, हमारी 1 घंटा की प्रेजेंटेशन चलेगी, इस दौरान सर प्लीज कोई बीच में उठ के ना जाए। आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे सर, लेकिन जैसे जैसे स्लाइड्स आगे बढ़ेंगी आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलते चले जाएंगे। अगर फिर भी कोई सवाल रह जाए, सेमिनार जैसे ही खत्म हो जिसके साथ आप आए हो उनसे पूछिए सर, वो आपको जवाब जरूर देंगे। अगर नहीं मिल पाया तो अपने साथियों से कहना चाहूंगी मैं कि अपने सीनियर से मिलवाएं और आपके सवालों के जवाब आपको जरूर दें, ठीक है सर? सर बहुत बड़ा मौका आज लाइफ में आया है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी इसके बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। सर मौका हर इंसान ढूंढ रहा है, मैं भी ढूंढ रही थी सर कि जॉब के साथ कुछ मिल जाए। एक मेरे ही डिपार्टमेंट में एचओडी हुआ करते थे, जिनको पूरा साहब भी बहुत अच्छे से जानता था, यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज का इंसान, जब उनका नाम ले लिया जाए तो चेहरे पे स्माइल आ जाती थी। सर अगर आप किसी आदमी के साथ काम कर रहे हो और उसकी पोजीशन ऐसी हो तो माइंड में क्या रहता है सर उनके लिए, कि वो बहुत ही अच्छी है पर्सनैलिटी है, सही कह रही हूं सर मैं? उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं सर, 2005 से कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब किया सर, वर्ल्ड वाइड 8 से 9 कंट्रीज को 10 कंट्रीज को घूम चुके हैं सर। यूएस में जॉब किया करते थे, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए सर। अगर थोड़ा सा मैं कुछ बताऊं, 22 से 23 महीने पहले इसी अपॉर्चुनिटी को देखा सर, ग्रैब किया, मेरे जैसे न जाने कितने लोगों की लाइफ वो चेंज कर चुके हैं सर। एक बार अगर उनको कोई सुन ले सर, उनका फैन हो जाता है, उनका फॉलोवर हो जाता है, बातों का ना ऐसा जादू करते हैं रियली। जब आप यहाँ से सुनोगे ना सर तो बहुत कुछ होने वाला है सर। टाइम बहुत कीमती है नहीं? आप भी अपना 1 घंटा यहाँ लगाने वाले हो और सर जिनको मैं यहाँ पर भी बुलाऊंगी सर वो तो 1 घंटा देंगे आपको, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग उनको सुन के सर अपनी लाइफ को बहुत बड़े लेवल पे चेंज कर देंगे, जैसे मेरी हो रही है, जैसे बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, ठीक है सर? लेकिन सर जो एक एक वर्ड बोले ना प्लीज ध्यान से सुन लेना, क्योंकि सुनने से वो हो सकता है जो कभी हमने सोचा ना हो। सिर्फ 1 घंटा सर, और 1 घंटा लाइफ में कोई मायने नहीं रखता, हमें पता भी नहीं चलता, व्हाट्सएप खोलते कब 1 घंटा खत्म हो गया है, गलत तो नहीं बोल रही मैं सर। मेरे मेंटर जिनको मैं बुलाना चाहूंगी यहाँ पर, कि जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं तो लोग भीड़ में खड़े हो जाते हैं लाइन लगा के कि उनसे 5 मिनट और बात करने को मिल जाए। सर ऐसे इंसान को बुलाने के लिए एक डेमो देंगे आप लोग मुझे कि कैसे बुलाएंगे?